नमस्कार दोस्तों, इनोवेटर होने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास डिग्री हो। जरूरत इस बात की है कि आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो उसमें कुछ अलग करने का मादा हो, जुनून हो। इसका उदाहरण है मेरे साथ खड़े मनोहर। ये एक किसान है और खेती में नई नई इन्वेंशन करते रहते हैं। इसी कड़ी में इन्होंने प्याज को स्टोर करने का एक बेहतरीन मॉडल डिजाइन किया है। अक्सर समस्या किसानों के साथ आती है, प्याज उगाने वालों के साथ, कि उनके जब प्याज निकलते हैं तो रेट मिलते नहीं अच्छे, क्योंकि भाव डाउन चला जाता है और प्याज को वो स्टोर कर नहीं सकते, इसलिए उन्हें मजबूरी में बेचना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए इन्होंने यहाँ अपने खेत में, जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पैक हाउस में एक ऐसा मॉडल डिजाइन कर दिया है जिससे प्याज लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा और जब अच्छा भाव हो तब किसान बेच सकते हैं। वो मॉडल क्या है, कितना ईजी है, कैसे बनता है, इसकी पूरी जानकारी लेंगे मनोहर जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मनोहर जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो पीछे प्याज हमें नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं, इसी को आपने स्टोर इसी पैक हाउस में करने का डिजाइन किया है, तो वो क्या है वो दर्शकों को बताइए। पहले तो ये आइडिया कैसे आया वो बताइए दर्शकों। देखिए, जब हम मई के महीने में प्याज निकालते हैं ना, तो उस टाइम पर तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और इस समय जुलाई तक आते आते प्याज सड़ जाता है। तो हमारा ये था कि भाई उस समय कितना रेट था, आपकी बार तो 5 या 6 रुपए का रेट था, तो उस टाइम तो बेचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो किसान का खर्चा होता ना वो पूरा नहीं होता। तो इसलिए हमने ये, चाहे मजबूरी लगा लो, चाहे एक लगन लगा लो, मतलब जब जरूरत पड़ती है ना जमींदार को, तब वो कुछ ना कुछ डेवलप करने की कोशिश करता है कि भाई हाँ ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि ये प्याज है तो इसको हम कैसे स्टोर करें, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये बनाया है। बड़ा जबरदस्त कामयाब है। तो दोस्तों, मनोहर जी ने इसी में ये मॉडल बनाया हुआ है। मैं पंकज से कहूंगा पैन करके दिखाए, फिर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ये सामने जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर है। चलिए मनोहर जी, आपको दर्शकों को बताइए कि ये कैसे आप इसको कर रहे हैं और ये डिजाइन कैसे आपने किया है। इसमें 4 स्ट्रक्चर बना दिए हमने। 4 बना दिए जी हाँ। और एक स्ट्रक्चर पर हमने, जैसे ये 5 फीट चौड़ा है और 20 फुट इसकी लंबाई है एक स्ट्रक्चर की, तो अब इसमें बीच में हमने 2.5 फीट की एक जाली लगा दी और 1.25 फीट दोनों तरफ इसमें जगह खाली रख दी। फिर हमने एक जाली और इसमें लगभग 1.5 फीट की और लगा दी दूसरी तरफ से करके, ये इस तरफ से कर दी और ये वाली जाली है वो इस तरह लंबी कर दी। अब ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ना, ऊपर से इसमें प्याज डलेगा और वो जो खाली एरिया है इसमें से नीचे आएगा। अब यहाँ पे ये जाली है, ये इसका वी आकार का स्पेस बनाएगी ऐसे, यानी कि ये वी आकार है, इसमें हवा पूरी इधर से उधर क्रॉस हो जाएगी। ये तो इस जाली का काम हो गया जो यहाँ पे ये लगा रखी है। अब ये जो 2.5 फीट की जाली है, ये भी इसके नीचे जो वी आकार का स्पेस बनाएगी, वो वी आकार यहाँ से हवा उधर पास हो जाएगी आराम से। इसमें मतलब पूरा प्याज है उसमें पूरी हवा लगेगी और ये प्याज मतलब ना तो आपका गड़ेगा ना इसको समेला। अभी आप इस प्याज के रूम में खड़े हो, आपको लग रहा है कि आप प्याज के रूम में हो? नहीं, बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही। कोई स्मेल है ही नहीं, मतलब ये है कि एरिएशन होना चाहिए, हवा पास होनी चाहिए, मेन मोटिव ये है। हवा, और हवा मतलब बगैर खर्चे के कैसे हो? जैसे बहुत बड़े बड़े एडजस्ट हमें लगवाने पड़ते हैं, मतलब वो नेचुरल आर्टिफिशियल कूलिंग की बजाय नेचुरल तरीके से हवा कैसे पास हो। हाँ, बस हमारा यही था इसमें कि नेचुरल तरीके से हवा कैसे पास हो। तो अभी आपने प्याज निकाला हुआ है वो उधर किया, तो एक बार हाथ निकालने, देखो अभी क्या है कि लगभग ये 2.5 महीने का प्याज हो गया इसमें। अच्छा, 2.5 महीने से इसी में था? इसमें 2.5 महीने से था, तो अब थोड़ा बरसात का टाइम आ गया, तो उस समय जो हमने प्याज इसमें लगाया था ना, तो उसमें क्या है कि जैसे साथ में मिट्टी आ जाती है, जैसे देखो ये जो सिस्टम है ना, देखो ये आ जाता है जब हम कट्टे भरते हैं ना प्याज के, तो ये मिट्टी और ये जो आ जाता है ना, ये अक्सर प्याज उगाने का काम करता है। तो बरसात का टाइम है तो ये एक बार इसकी सफाई करवा देंगे। अच्छा, 2.5 महीने बाद अभी आप इसको निकाल रहे हो, उसके बाद सफाई करवा देंगे। उस समय तो ये छिलका नहीं छोड़ता प्याज, अब इसने ये छिलका छोड़ दिया है, अब ये छिलका भी निकल जाएगा इसका बाहर का और इसके साथ जो मिट्टी है ना वो भी निकल जाएगी। अच्छा, 2.5 महीने में कितना प्याज जब निकाला है, कुछ गला हुआ निकला, कितने परसेंट? नहीं, इसमें से 1-2 तासड़ा कोई निकला होगा ना, वो पूरे प्याज में? हाँ, पूरे, वो भी खराब नहीं है। कितने क्विंटल प्याज होगा टोटल इसमें जो स्टोर हुआ है? हमने 200 कट्टे डाले हैं। 200 कट्टे लगभग 100 क्विंटल। 100 क्विंटल प्याज है, मतलब इतने बड़े स्ट्रक्चर में 100 क्विंटल प्याज आराम से स्टोर हो सकता है। देखो ना, इसमें 33% प्याज तो इसके अंदर है अभी, और ये ढेर देख लो अभी 66%। हाँ, ये पूरा ढेर है इसका, ये इसी से निकला है और इसी में वापस चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से प्याज जो है स्टोर लंबे समय तक रह सकता है। एक चीज और दर्शकों को बता दें कि ये जो स्टोर रूम है, इसमें इन्होंने इस तरह के 3 स्ट्रक्चर बनाए, एक ये वाला है, एक उधर है। अब उसके परली तरफ इन्होंने लगाया हुआ है कूलर और इस तरफ लगाया हुआ एग्जॉस्ट।
कूलर से हवा यहाँ आती है और एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाती है, तो एरिएशन प्रॉपर रहता है। अब बात इसकी करते हैं, एक बार आपको मैं रिकैप में बता दूं, ये टोटल 20 फीट की लगभग 6 मीटर की लंबाई है, जिसमें चार खाने बने हुए हैं लोहे के, ये जालियां इधर लगी हुई है और बीच में जाली है। जाली के डिजाइन में ही मॉडल की खूबी है, इन्होंने एक लंबी जाली लगा दी। ये जो खाना है एक लंबी है, कितने फीट की चौड़ाई है इसकी? ये 2.5 फीट की एक जाली है। ये 2.5 फीट की चौड़ाई वाली लंबी पूरी 1-6 मीटर में इन्होंने लगा दी जाली, ऐसा ही है? हाँ। और एक बीच में फिर ये कितने जगह छोड़ा आपने? ये लगभग इसमें 1.5 फुट जगह है और 1.5 फुट की ये जाली है। 1.5 फीट जगह छोड़ते हुए ये फिर एक जाली 1.5 फीट की लगा। ये सीधे वाले जो 6 मीटर है ये सिंगल जाली है, इसको डबल कर दिया है। तो इस तरह से बीच में स्पेस देते हुए 1.5 फीट का इन्होंने जाली ऐसे रखते गए। तो ये इस तरह से देखिए पूरी लंबी जाली और बीच में ये 1.5 फीट की इन्होंने लगाए। तो अब इनका जो मॉडल है वो ये है कि इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, ये यहाँ से कवर कर दिया पूरा नीचे तक। उस तरफ सामने जो जाली देख रहे हैं आप, वो बिल्कुल ऐसे ही दीवार बन जाती है जाली की पूरी ऊपर तक। और यहाँ से फिर प्याज डालना शुरू करते हैं इस जगह, जो खाली जगह है। और वो प्याज जब नीचे आता जाता है तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ पर इसके नीचे प्याज नहीं इकट्ठा होता, तो एरिएशन ऐसे हो जाएगा। और इसमें वो प्याज गिरेगा तो उसका ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा कि यहाँ से एरिएशन हो जाएगा, क्रॉस वेंटिलेशन हो जाता है, एरिएशन हो जाता है। तो इस तरह से हवा जब तक जाएगी तो प्याज खराब नहीं होगा, हवा नहीं जाती है तब सड़ने लगता है। तो पूरा इनका मॉडल ये है कि एरिएशन प्रॉपर हो, और जैसा बताया उधर से कूलर चलेगा, एग्जॉस्ट चलेगा, तो हवा यहाँ से पास होती रहेगी, प्याज लंबे समय तक खराब नहीं होगा। अब बात करते हैं कॉस्ट की। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कितना किलो लोहा और जाली लगी है? इसमें 6 क्विंटल है टोटल, एक स्ट्रक्चर में 6 क्विंटल लोहा और जाली दोनों? हाँ दोनों है इसमें। अब इस हिसाब से आप कॉस्टिंग देख लेना, क्योंकि थोड़ा मजबूत स्ट्रक्चर है, इसमें पूरा 100 क्विंटल प्याज स्टोर हो जाता है। 100 क्विंटल के लिए 6 क्विंटल का लोहा और जाली है। ये अब जितना प्याज आपके पास है उतने प्याज पे आप इसको अपना बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और आपको बता दें पैक हाउस बनाने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट में सब्सिडी मिलती है, बाकी स्टेट में आप अपने जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। और अधिक जानकारी लेनी हो तो मनोहर जी से आप ले सकते हैं। मनोहर जी कुछ और जानकारी चाहिए तो आपका नंबर दे दें ताकि दर्शक को अगर पूछना चाहे। बिल्कुल दे सकते हो आप, इन्हें कोशिश करें व्हाट्सएप करें ताकि ये आपको जवाब, क्योंकि फोन उठाना कई बार संभव नहीं होता है। तो और अधिक जानकारी प्याज की स्टोरेज के बारे में आप ले सकते हैं। हमारी कोशिश ये है कि किसानों को अच्छे भाव मिले, और वो तब मिलेंगे जब उनके पास इस तरह के ऑप्शन उपलब्ध हो कि अपनी क्रॉप को स्टोर कर पाए। क्योंकि जब क्रॉप एकदम से आती है तो रेट डाउन होते हैं और किसान को जो फायदा मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। एक चीज और पूछ लेते हैं कि इसका मान लीजिए प्याज आपने जाली लगा स्टोर कर दिया, और भी कोई उपयोग है इसका? हाँ, जैसे अब ये प्याज तो अक्टूबर तक इसमें पूरा बिक जाएगा, भाव भी जो आने होते हैं वो अक्टूबर तक मिल जाते हैं जमींदार को। उसके बाद हमें जो साइड की जाली है ना, ये निकाल देंगे चारों तरफ से, ये नीचे वाली कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। फिर हम इसके ऊपर ये इसकी 22 इंच है इसकी हाइट। अच्छा, तो ये यहाँ से यहाँ 22 इंच है, ये 22 इंच इसलिए ली गई है ताकि हम इसमें मशरूम के बैग जो रखेंगे ना उनमें कोई दिक्कत ना हो। मशरूम मतलब इसमें एक विकल्प हो सकता है। एक सवाल और है कि कई लोग कट्टे रख देते हैं ऐसे स्ट्रक्चर बना करके प्याज के, तो उससे ये ज्यादा बेहतर? उससे बहुत ज्यादा बेहतर है ये, उसमें प्रॉपर एरिएशन नहीं हो पाता, इसमें हो पाता। क्या है, जब हम कट्टा रखते हैं ना तो कट्टे में प्याज दबाव में आ जाता है, तो कट्टा हम भरेंगे तो प्याज दबाव में आएगा। अब इसमें ऊपर से हम प्याज डालेंगे और वो प्याज अपनी मर्जी से सेट होगा, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया उसी हिसाब से। हाँ, वो अपनी मर्जी से वो सेट होगा, वो हमें ऐसे ठोकना नहीं पड़ता। और कट्टे हम अक्सर ठोक देते हैं, उससे थोड़ा उसमें दबाव आ जाता है, कट्टे में दबाव होता है, उससे भी खराब होता है और हवा नहीं जाती तो भी खराब होता है। जब हम किसी चीज को दबा दबा के भरेंगे ना तो उसमें प्रॉपर तरीके से हवा नहीं जाएगी। और जब ऊपर से प्याज डाला और वो अपनी मर्जी से सेट हुआ है तो उसमें वो हवा का, उसमें सारा आवागमन रहेगा, सारा खेल हवा का है, हवा के आवागमन का जो बताया प्रॉपर एरिएशन होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर इन्होंने डिजाइन किया है। आपको कॉस्टिंग भी बता दी, 6 क्विंटल लोहा लगेगा, जो रेट है उसी हिसाब से अपना डिजाइन कर सकते हैं। कितने इंच पे चौड़ाई कितने होती है उसकी और डिटेल जानकारी आप इनसे ले सकते हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया इस स्ट्रक्चर की चौड़ाई 22 इंच है और इसकी चौड़ाई करीब 3 से 3.5 फीट के बीच है। तो ये अपनी आप सुविधा अनुसार भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉस्टिंग की जानकारी मिली आपको और जो तकनीक की जानकारी मिली, और अधिक जानकारी आप इनसे ले सकते हैं। कोशिश करें व्हाट्सएप करें, क्योंकि नंबर उठाना कई बार किसान के लिए संभव नहीं होता, बहुत से काम होते हैं। तो दोस्तों एक चीज और बता दें, इनकी कुछ स्टोरी हम और भी दिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग बड़ी एडवांस तरीके से की हुई है, नेट हाउस में भी अच्छी फसलें ले रहे हैं। तो इस तरह से कुछ और जानकारी भरे वीडियो भी इनके मिलेंगे। हमारी कोशिश ये है कि अच्छी तकनीक जो प्रयोग करें किसान उनको आपसे मिलवाया जाए, जो अच्छा काम करें ऑर्गेनिक खेती करें उनको आपसे मिलवाया जाए, ताकि आपको जानकारी मिले और किसानों का जो है लाभ बढ़े। किसानों की ऐसी ही और अच्छी स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।